सर ये क्या दे रहे हो? पैसे दे रहा हूँ सर, आपके 320 रुपए और आप सिर्फ 300 रुपए दे रहे हो। अरे हाँ हाँ, रोज तो मंगाते हैं, ये ले यार पकड़। सर सर ऐसा नहीं चलता है, आपने ऑर्डर किया होगा तो आपने देखा होगा कि 320 रुपए का सर, तो ये 300 नहीं चलेगा सर। अरे हाँ मेरे भाई, मुझे मालूम है 320 रुपए हुए हैं, ले रोज मंगवाते हैं यार तेरी कंपनी से, कभी तो डिस्काउंट दे दिया करो, 20 रुपए के तो मांग रहा हूँ, ले पकड़ दी। सर तो आप रोज मंगवाते हो तो कंपनी को बोलो ना, मुझे क्यों बोल रहे हो, मुझे पैसे देने पड़ जाएंगे, मेरा लॉस हो जाएगा 20 रुपए का सर। अरे तू भी तो कंपनी के लिए काम करता है ना, हो जाएगा, ले पकड़। सर ऐसा नहीं होता है सर, आपको पूरे पैसे देने पड़ेंगे। अबे यार तू इतने नखरे कर रहा है यार, 20 रुपए की बात है सर, बात 20 रुपए की नहीं सर। सर नहीं होगा सर, तू पकड़ यार, सर पॉसिबल नहीं है सर। क्या कर रहे हो, क्यों करेगा वो 20 का डिस्काउंट, ले लो अपने 20 रुपए। थैंक यू मैम। खुशी जब पागल लोग हैं, 20 रुपए के लिए ड्रामे मचा रखा है, तुम भी पागल हो यार, क्यों दिए उसे 20 रुपए, मान जाता वो अच्छा खासा। क्यों मान जाता, जो डिलीवरी करते हैं वो डिस्काउंट क्यों करेंगे, बार्गेनिंग कर रहे हो उनसे, 20 रुपए कम कर ले। तुम बीच में आ गई, वो दे देता आराम से डिस्काउंट, रहने दो बस। तुमने ना सच में हद कर रखी है, सारी जगह ना हमेशा बेइज्जती कराए रखते हो, क्या जरूरत थी उससे इतना लड़ने की। तुमने कभी सुना है कि कंपनी कोई डिस्काउंट देती है? नहीं देती ना, डिलीवरी बॉय से डिस्काउंट मांग रहे थे। अच्छा अभी डिलीवरी बॉय के लिए बहुत समझदार बन रही हो तुम, उस दिन तुम्हारी समझदारी कहाँ गई थी, जब सब्जी वाले से 10 रुपए के लिए लड़ रही थी कि भैया इसे 50 की नहीं 40 की लगा लो, तब कहाँ गई थी तुम्हारी समझदारी। ये लीजिए मैडम, आपके 50 रुपए हो गए। 50 रुपए? अरे भैया 40 का रेट हो रहा है, 40 रुपए लो। नहीं नहीं मैडम, 50 ही हुए हैं, 10 रुपए तो हमारा खुद बच रहा है। भैया हर बार यही से लेके जाती हूँ, 40 लगा लो। नहीं नहीं मैडम, इतना नहीं हो पाएगा, 50 का ही। क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? अरे देखो ना 40 का रेट हो रहा है, 50 बोल रहे हैं। दो ना यार, 10 रुपए के लिए लड़ रही हो तुम भी, ये लो भैया 40, ये लो 50, ठीक है चलो। 40 का हो रहा है भैया रेट। चलो ना यार तू, अबे वाह गाड़ी में बीच में लगा के तुम 10-10 रुपए के लिए लड़ रही हो। अरे बात ऐसी नहीं है, वो ना कम कर लेता, फालतू में तुमने 50 रुपए दे दिए, उसे 40 का ही हो रहा है रेट। हाँ हाँ उसके घर से तो आ रहे हैं 10 रुपए, जल्दी चलो यार गाड़ी लगी। पैसे लुटा। अच्छा ठीक है ठीक है, चलो चलो। सब्जी वाले से तो तुम 10-10 रुपए के लिए लड़ जाती हो, और यहाँ 20 रुपए उठा के तुमने ऐसे दे दिए। वो जो सब्जी वाले होते हैं ना, वो हमेशा महंगी सब्जी बेचते हैं, 20-30 रुपए हमेशा महंगा बताएंगे, इसलिए हमें बार्गेनिंग करनी पड़ती है, और मैं अकेली नहीं करती, सब लोग बार्गेनिंग करते हैं। ये बात नहीं है, हकीकत मैं तुम्हें बताता हूँ, ये बंदा था कंपनी से, और कंपनी वालों से तुम बार्गेनिंग करोगी नहीं, क्यों? क्योंकि तुम्हें वहां पे शर्म आती है, क्योंकि कंपनी है, बेइज्जती ना हो जाए, पर सब्जी वालों से तुम 10-10 रुपए के लिए 5-5 रुपए के लिए जरूर लड़ाई करोगी। हाँ क्यों? क्योंकि वो गरीब बंदा है। तू मुझे एक बात बता, वो सब्जी वाला सब्जी खरीद के लाता है, सुबह उठ के अपनी नींद खराब करके फिर लाके उसे धोता है, साफ करता है, लगाता है, बेचता है, ये सोचता है कि दो पैसे कमाएगा। अब तू उसमें 10-10 रुपए, और तेरी अकेली की बात नहीं है, लाखों लोग ऐसे ही करते हैं, सब्जी वाले से ही बार्गेनिंग करते, कंपनी वालों से नहीं करते। अब पूरे दिन में उस बेचारे ने सोचा था कि वो 400 से 500 रुपए कमाएगा, लेकिन वो कमाता कितना है, 200 रुपए 250 रुपए। क्यों? क्योंकि तुम लोग उससे डिस्काउंट मांगते रहते हो। तो अगली बार कभी भी किसी सब्जी वाले के साथ बार्गेनिंग करो ना, तो याद रखना कंपनी वालों के साथ भी बार्गेनिंग करनी आनी चाहिए, और अगर कंपनी वालों के साथ बार्गेनिंग नहीं कर सकते तो सब्जी वालों के साथ भी मत करो। अगली बार सब्जी वाला जिस रेट में सब्जी देना तो ले लेना, 10-5 रुपए में तुम अमीर तो हो नहीं जाओगी, और तुम्हें पता यही वजह है कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, क्योंकि वो कभी डिस्काउंट नहीं देता, और गरीब क्योंकि वो मुँह में आकर डिस्काउंट दे देता है, बेचारा कुछ कमा नहीं पाता। भैया ये लौकी कैसे दिया? मैडम 60 रुपए किलो, ले लो 50 लगा दूंगा। अरे नहीं नहीं भैया 60 ही लगाओ। ठीक है मैडम।